राज्य में भारी बारिश का दौर जारी है। देर रात हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में नुकसान की सूचना है। रुद्रप्रयाग के सिरवाड़ी गांव में बादल फटने से लोगों की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि जनहानि की कोई सूचना नहीं है। बारिश से सिरवाड़ी गांव के घरों में मलबा घुस गया। वहीं गांव को जाने वाली सड़क, संपर्क मार्ग, पेयजल और विद्युत लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उधर कल देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण टिहरी जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगी गांव में भारी बारिश के कारण गदेरे में आए मलबे से 14 मवेशियों के बहने की सूचना है। इसके अलावा कई कच्ची छाने और घराट भी बह गए। नुकसान का जायजा लेने के लिए घनसाली के SDM के नेतृत्व में राजस्व विभाग की एक टीम गंगी गांव पहुंच गई है। उधर जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन से बाधित है। साथ ही जिले के राजमार्ग और 5 ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं। घनसाली तहसील में हमारा गंगी गांव है। गंगी गांव से ये सूचना है कि अतिवृष्टि की वजह से वहाँ पर कुछ गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में पानी गया है और खेतों को भी नुकसान हुआ है। तो राजस्व विभाग की हमारी टीम SDM के नेतृत्व में वहाँ के लिए रवाना हो चुकी है और जो भी वहाँ पर आपदा की वजह से नुकसान हुआ होगा उसमें तत्काल हम लोग राहत और बचाव कार्य शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर जनपद में रोड्स की बात की जाए तो 2 हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग अभी बंद हैं, जिसमें कि तोता घाटी के समीप नेशनल हाईवे हमारा बंद है। प्रत्येक मार्ग पर मशीन काम कर रही है और संभावित समय के साथ हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक अथवा कल सुबह तक हम सभी मार्गों को खोल लेंगे। देहरादून में भारी बारिश के कारण IT पार्क के पास सड़क पर बह रहे नाले में कार बह गई। बारिश से रिस्पना और तमसा नदियों में भी भारी उफान देखने को मिला। टपकेश्वर मंदिर में भारी बारिश के कारण सीढ़ियों में काफी मात्रा में पानी बहने लगा। इसके अलावा शहर के दूसरे हिस्सों में जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का ये दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार 11 अगस्त को उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और चमोली जिलों में ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 12 अगस्त को राज्य के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 14 अगस्त को भी राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।